हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है पैरापेट वाल को तराई कितने दिनों तक करनी चाहिए। तो जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो मान लीजिए फ्रेंड, पैरापेट वाल यानी कि जुड़ाई करने के बाद आपको कितने दिनों तक क्यूरिंग करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो मान लीजिए फ्रेंड, पहला पॉइंट ये है पैरापेट वाल क्यूरिंग डेज। ठीक है, क्यूरिंग डेज। तो अगर आप पैरापेट वाल को जुड़ाई जब आप कर रहे हैं, करवाने के बाद आपको कितने दिनों तक तो क्यूरिंग करना चाहिए यानी कि तराई करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो मान लीजिए फ्रेंड, आपको मिनिमम क्यूरिंग करना चाहिए सेवन डेज से लेकर आपको एट डेज तक आपको क्यूरिंग करना चाहिए सुबह शाम। अगर ठंडी के समय मौसम में है तो आप सुबह और शाम में क्यूरिंग करना चाहिए। अगर गर्मी के मौसम में अगर आप पैरापेट वाल को जुड़ाई करने के बाद अगर क्यूरिंग कर रहे हैं यानी कि तराई कर रहे हैं, तो आपको यानी कि सुबह और दोपहर में और शाम में भी करना चाहिए क्यूरिंग। 7 डेज से लेकर आपको 8 डेज तक आपको क्यूरिंग करना चाहिए यानी कि तराई करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड।